नागपुर के गिट्टी खदान इलाके में घटित दुर्घटना में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर एक घर में जा घुसी और उसी दौरान घर में मौजूद 10 साल का बच्चा जॉर्डन फिलिप जोसेफ इसकी चपेट में आ गया। दुर्घटना के बाद बच्चे को मेयो हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। करीब करीब 4:30 से 5 बजे के दरमियान की घटना है। गिट्टी खदान IBM रोड पे सेमनरेल्स टीवी टावर चौक से एक बेकाबू होकर स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें कुछ धर्मगुरु बंदे जी बैठे थे और कुछ उसमें नागरिक भी थे। वो बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी ऊपर से आई, शायद उसके ब्रेक फेल हुए। अब ब्रेक फेल होने के बाद में यहाँ पे एक हमारे एंथोनी जी का मकान था, वो मकान में जाके वो बेकाबू गाड़ी जो थी जा घुसी। बहुत ज़ोर के धमाका हुआ। मैं खुद, मेरी बाजू में किराने की शॉप पर मेरा घर है, सभी लोग बस्ती के दौड़ कर आए यहाँ पे। तो दौड़ कर आने के बाद में आके देखा तो जो मकान जो था पूरे तरीके से गिर चुका था। हमने सभी लोगों ने मिलकर मलबा हटाया, ऐसे मलबा हटाया तो एक मासूम था छोटा बच्चा 8 साल का, जिसका नाम जोसेफ एंथोनी है, वो बच्चा उसमें दबा हुआ था। हमने उसको निकाला और निकालने के बाद में उसको मेयो हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन अभी अभी हमको बहुत दुखद जानकारी मिली कि वो बच्चे का निधन हो गया, उसकी डेथ हो गई करके। और आए दिन IBM रोड गिट्टी खदान पे दुर्घटनाएं होते रहती है। इसके पहले मेरे खुद के घर पे ट्रक घुसा था, मैं खुद उसका साक्षीदार हूँ, जिसमें मेरी खुद जान बची थी और मेरे परिवार की जान बची थी। आज NMC और ममता प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि ऊपर जो हेवी व्हीकल के लिए, जो खंभे गड़ाए गए हैं, वहाँ पे एक और खंभा लगाकर 4-व्हीलर गाड़ी को हमेशा के लिए यहाँ से एंट्री बंद कर दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो और किसी की जान जाए या किसी के घर में और एक्सीडेंट हो और ब्रेक फेल की गाड़ी घुसे और कोई एंथोनी, कोई और बच्चा जिसके साथ में ऐसी घटना ना हो। हम चाहते हैं कि एक और हेवी व्हीकल वहाँ पे लोहे की बार गड़ाया जाए और वहाँ से 4-व्हीलर हेवी व्हीकल के लिए आवाज़ अभी बंद होनी चाहिए। और हमारी कलेक्टर साहब से और प्रशासन से मांग है, यहाँ पे स्थानीय आमदार विकास ठाकरे जी भी आए थे और दूसरे भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, हमारी स्थानीय प्रशासन से और कलेक्टर साहब से मांग है कि बच्चा जो है वो गरीब परिवार से था, उनको कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और उन लोगों के घर के अंदर जितनी भी तबाही हुई है, कुछ उनके अलमारी में कैश रखा हुआ था पैसा, वो भी पैसा अभी दिखाई नहीं दिया है। खाने पीने का जो सामान था, TV थी, जो भी उनके घर में सामान था, सोफा था, पलंग था, पूरा टूट चुका है, नाले के अंदर गिर चुका है। गरीब परिवार से लोग थे, इनको प्रशासन ने, सरकार ने मदद करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी हमारी मांग है, सभी मेरी और स्थानीय गिट्टी खदान के सभी लोगों की मांग है। ये भीषण हादसा आज शाम करीब 5 बजे गिट्टी खदान इलाके के IBM रोड पर घटित हुआ। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में सवार लोगों की पिटाई कर दी। दुर्घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और स्कॉर्पियो में मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लिया। टीवी टावर चौकाकडून काटोल रोड कडे एक स्कॉर्पियो येत होती, स्कॉर्पियो तिथे IBM रोडला एका घरावर घरामध्ये घुसली, त्याच्यामुळे एक लहान 10 वर्षाचा मुलगा होता तो जखमी झाला, त्यांना तात्काळ मेयो हॉस्पिटलला हलवण्यात आलं आणि जे स्कॉर्पियोमध्ये काही लोक होते ते पण जखमी आहेत, त्यांनाही हॉस्पिटलला हलवण्यात आलेलं आहे। आता जी घटनास्थळाची जी गाडी होती ती काढून पोलीस स्टेशनला नेली, ठिकाणी आता गर्दी कमी करण्यात आलेली आहे, कारवाई चालू आहे। इस दुर्घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गिट्टी खदान के IBM रोड पर इसके पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। इलाके के नागरिकों ने इस बारे में कई बार प्रशासन से शिकायतें भी की हैं, लेकिन बावजूद इसके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो ये रोड पे कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, अभी हादसा होता फिर लोग जैसे के वैसे हो जाते हैं। अभी यहाँ आमदार साहब भी आए थे, आज प्रशासन के लोग हैं, ये होने के बाद आज एक बच्चा मरा, इसके पहले 2 साल पहले 2 लोग और मरे थे। तो ये बार बार किसी के बच्चे की जान जाना नहीं चाहिए, और गरीब लोग हैं बेचारे, उनके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं है, तो उनको प्रशासन से ज़्यादा मदद मिले और ऐसा दोबारा हादसा ना हो, ऐसा हमारी प्रशासन से मांग है। या तो ये रोड को चौड़ा किया जाए या तो 4-व्हीलर के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्यों उसका एक पर्याय व्यवस्था है, क्योंकि एक गरीब बस्ती है, यहाँ पे रोड छोटा अतिक्रमण है तो लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं। तो ऐसा आज उनका बच्चा मरा, कल किसी और बच्चा, किसी का बच्चा ना मरे, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए और जो ये बहुत बड़ा चढ़ाव है इसका कोई ना कोई तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट का दूसरा दिन भी मेजबान टीम इंडिया के नाम रहा। मैच के दूसरे दिन जहां कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स बनाए, तो वहीं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने अर्धशतक लगाकर भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन पर टिके हुए हैं। नागपुर के क्रिकेट प्रेमियों को आज चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और सूर्य कुमार की बल्लेबाजी से निराशा हाथ लगी।
ये सभी बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टॉड मर्फी ने डेब्यू मैच में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट पर 321 रन है और टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से 144 रन आगे है। नागपुर पुलिस की अपराध शाखा ने जामथा स्टेडियम से 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान स्टेडियम के भीतर ही सट्टा खिला रहे थे। क्रिकेट मैच सुरू असताना रेकी केली, काही लोकांना आम्ही स्पॉट केला की ते त्यांच्या जवळ असलेल्या मोबाईल वरून त्यामध्ये वेबलिंक ऍपच्या द्वारे ते क्रिकेट बेटिंग करत आहेत। त्या आधारावर आम्ही त्यांना ताब्यात घेतला आणि त्यांची जेव्हा चौकशी केली, विचारपूस केली, त्या ठिकाणी ते सदरचा मोबाईल वरती आणि वेबलिंक वर क्रिकेट सट्टा खेळताना मिळून आले। त्यावर आम्ही आता पोस्टे हिंगणा येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे। पुलिस ने इन सटोरियों के पास से मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी सटोरिये मैदान में चल रहे लाइव मैच और उसके प्रसारण के बीच के समय का इस्तेमाल कर सट्टा लगा रहे थे। मैच के दौरान अंदर की जानकारी बाहर भेजने की ट्रिक को टेलीकास्ट डिले बैटिंग कहा जाता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए वे स्टेडियम के बाहर मैच की जानकारी अपने साथियों को भेज रहे थे। क्रिकेट मैच लाइव शुरू असताना जवळपास 15 ते 20 सेकंड चा लाइव मैच आणि ज्याचा ब्रॉडकास्ट होतो बाहेर प्रक्षेपण होतो त्याच्यावरती जवळपास 15 ते 20 सेकंड चा फरक असतो। त्याचा फायदा घेऊन हे लोक वेबच्या मदतीनं क्रिकेट सट्टा खेळत होते आणि त्यांचे जे बाहेर काही साथीदार होते त्यांना इथून माहिती पुरवत होते। त्याबद्दल आमची अजून सखोल चौकशी सुरू आहे। पुलिस को अपने मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ सटोरिये लाइव मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर नागपुर पुलिस की अपराध शाखा ने कार्रवाई कर 4 सटोरियों को धर दबोचा। या ठिकाणी आम्ही एकूण 4 आरोपी अटक केली आहे। त्यापैकी एक दर्शन गोहिल हा कांदिवली मुंबईचा राहणार आहे। त्याचप्रमाणे सुनील अमेसर हा नागपूर मधला आहे। जय किशन कृष्णानी हा नागपूर मधला आहे। सोबत प्रतीक मंत्री हा भंडारा येथील असा वेगवेगळ्या ठिकाणचे हे लोक आहे। गुरुवार को नागपुर के बेसा इलाके से गायब हुई 5 साल की मासूम का शव आज सुबह पानी की टांकी से बरामद हुआ है। 5 साल की यह बच्ची ना ही सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। गुरुवार को इस बच्ची के पिता राजू शाहू ने बेल तरोरी थाने में अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे ये बच्ची अचानक खेलते खेलते गायब हो गई थी। हालांकि पुलिस में शिकायत के बाद बच्ची के परिजनों और इलाके के नागरिकों ने आसपास छानबीन की थी लेकिन लापता हुई बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला और आज सुबह पानी के इस टांकी से शव बरामद होने पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। जमानत पर रिहा हुए पूर्व गृह मंत्री व काटोल के विधायक अनिल देशमुख के नागपुर आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। करीब 21 महीनों बाद अनिल देशमुख की घर वापसी हो रही है और उनके आने की खुशी में घर को सजाया सवारा जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता व देशमुख के समर्थक भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख 11 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे नागपुर आएंगे। इसके बाद वे वर्धा रोड स्थित साई मंदिर में दर्शन करेंगे। यहां से वे संविधान चौक पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। देशमुख को फिलहाल 4 सप्ताह तक ही मुंबई से बाहर रहने की अनुमति मिली है और इस बीच उन्हें मुंबई में भी हाजिरी लगानी होगी। नागपुर की सप्तक संस्था व छाया दीक्षित वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 11 फरवरी को प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर से सीधी बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्ट्रेट ड्राइव नाम से आयोजित ये कार्यक्रम गायत्री नगर के कवि कुलगुरु कालिदास सभागृह में शाम 7 बजे संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध क्रिकेट समीक्षक सुनंदन लेले सुनील गावस्कर से संवाद करेंगे। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने यूसी नाथा को नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल ने नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लिए गए सभी फैसलों की जांच और ऑडिट करने का निर्देश भी दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों में मतभेद चल रहे हैं और हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में यह बात खुलकर सामने आ गई थी। अब जबकि ट्रिब्यूनल ने प्रशासक की नियुक्ति कर दी है, तब इन हालात में इस कार्यवाही को अश्विन मेहाड़िया गुट के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है।
नागपुर शहर की सदर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सेंधमार्ग वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में 27 जगहों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की और करीब 32 संदिग्धों से पूछताछ के बाद आरोपी शाहरुख उर्फ मुन्ना हनीफ खान को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी से सेंधमारी और वाहन चोरी के साथ मामले उजागर हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3,16,000 रुपयों का माल बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सदर इलाके के दिव्या मेडिकल स्टोर में सेंधमारी का गुनाह भी कबूल किया है। फिरियादी हैं कमल किशनलाल अग्रवाल, इनका छावनी में अचरज टावर के सामने में दिव्य मेडिकल स्टोर करके मेडिकल स्टोर की दुकान है। दिनांक 4/2 से 5/2 के नाइट में उनके मेडिकल स्टोर का किसी ने शटर तोड़ा था और शटर तोड़ के हाथ में से उनके कुछ नकदी पैसे चुरा कर लेके गए थे। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में घरपोड़ी का गुना नोंद है। वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज, सीओसी की मदद और तांत्रिक तपास से हमने आरोपी डिटेक्ट किया है। आरोपी का नाम है शाहरुख हनीफ खान, उम्र 22 साल, रहना ये पुलिस स्टेशन तहसील के हद में डागा हॉस्पिटल के पीछे में फुटपाथ के ऊपर रहता है। ये प्रॉपर खामरपानी तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके पहले भी इसका रिकॉर्ड है और अभी ये 4-5 महीने पहले ही नागपुर जेल से छूटा था। इसका मोटा ऐसा था कि ये टू व्हीलर व्हीकल चोरी करता था और उससे घरपोड़ी को अंजाम दे के फिर से टू व्हीलर गाड़ी को छोड़ देते जाओ। इसके बाद से हमने टोटल 7 गुने उगड़ के लाए हैं। 3 पुलिस स्टेशन सदर के हैं और पुलिस स्टेशन पारडी, वाड़ी, अंबाझरी, धंतुली, ऐसे टोटल हमने 7 गुने उगड़ के लाए हैं और उसके बाद से टोटल 3,16,750 रुपये का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है। नागपुर के हुड़केश्वर थाने में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने 37 वर्षीय सुमित आकरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुमित आकरे ने चैतन्य नगर निवासी हर्षल रंगारी को कम समय के निवेश में ज्यादा ब्याज देने का लालच दिया था। इसके बाद हर्षल ने करीब 19 लाख रुपयों का निवेश किया जिसमें से 12 लाख रुपए वापस मिले लेकिन बकाया 7 लाख की रकम वापस नहीं मिली। इसके बाद हर्षल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच के बाद आरोपी सुमित आकरे को गिरफ्तार कर लिया गया। मानकापुर इलाके में दो लोगों के बीच आपसी रंजिश को लेकर एक दूसरे की हत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तुषार शर्मा और रोहित नौकरिया के बीच पुरानी दुश्मनी थी। गुरुवार को किसी बात पर इन दोनों में फिर से विवाद हुआ और दोनों आरोपियों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मेयो अस्पताल में भर्ती हैं। काल रात्रि 9:30 दरमियान तुषार शर्मा राहणार गंगाबाई झोपडपट्टी मानकापूर हा जखमी अवस्थेत पोलीस स्टेशनला आला। त्याच्याकडे अधिक विचारपूस केली असता त्याचा व करण नौकरिया याच्या सोबत वाद झालेला आहे। त्यामध्ये तो त्याने तोड जखमी झाला असल्याचं सांगितलं। त्याला उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटल येथे पाठवलं। तिथे मित्रासोबत आधीच उपचारासाठी करण नौकरियासुद्धा पोचला होता, त्याच्या पण डोक्याला मार होता। दोघांचाही उपचार केल्यानंतर पोलीस स्टेशनला आल्यावर त्यांची तक्रार घेतली असता दोघांविरुद्ध 307/294 भादवीप्रमाणे क्रॉस FIR दाखल करण्यात आलेली आहे। वादाचं कारण फार क्षुल्लक असून ते सोबतच बसले असताना त्यांच्यामध्ये किरकोळ बाचाबाची होत वाढत गेलेला आहे आणि त्यामध्येच हा मारामारीचा प्रकार घडलेला आहे।